आप देख रहे हैं कोल इंडिया न्यूज, सिर्फ सच। ये महाशय को गौर से देखिए, शायद आपके पहचान में आ जाएं। ये मनेर नगर पंचायत के मजदूर नहीं हैं, ये हैं वार्ड नंबर 9 के वार्ड पार्षद, और ये अपने वार्ड में कूड़े जो इकट्ठे हैं उसे उठाकर फेंक रहे हैं और झाड़ू भी लगा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है नगर पंचायत में चल रहे कई दिनों से मजदूरों की हड़ताल। ऐसे में अगर देखा जाए तो नगर पंचायत के प्रशासनिक विभाग जो है उसका ध्यान कूड़े से हटा हुआ है। जब लोगों में आपस में बात होने लगी तो अचानक वार्ड पार्षद महोदय ने उसकी जिम्मेवारी ली और कुदाल, नगर पंचायत का कूड़ा बॉक्स और झाड़ू लेकर सारे कूड़े को इकट्ठा कर स्वयं फेंकने का काम शुरू किया। ऐसे में नगर पंचायत मनेर के प्रशासनिक विभाग को कुछ न कुछ सोचना चाहिए। अगर मजदूर हड़ताल पर हैं तो उसके वैकल्पिक व्यवस्था भी होनी चाहिए, अन्यथा मजदूरों की मांग को माननी चाहिए। सुनते हैं वार्ड पार्षद महोदय से। नगर का सफाई कर्मी हड़ताल पर है और नगर प्रशासन कुंभ करनी निद्रा में सोई हुई है। जनता ने हमें जब जिम्मेदारी दी है, जवाबदेही दी है, उसका निर्वहन कर रहा हूँ मैं। जनता को गंदगी और कूड़े में रहते हुए नहीं देख सकता और मैं लगातार यह अभियान जारी रखूँगा। जब तक हड़ताल है तब तक मैं अपने वार्ड का सफाई करता रहूँगा। आइए नगर कार्य संतोषजनक असंतोषजनक पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। नगर पंचायत मनेर की जनता वो सब देख रही है, लेकिन अभी तत्कालिक जो समस्या है, 5 दिनों से नगर बजबजा रहा है, चारों ओर गंदगी का अंबार है, तो ऐसे में हम जनता को गंदगी में रहते हुए नहीं देख सकते हैं। और ये सफाई अभियान आज से शुरू किए हैं और जब तक हड़ताल रहेगा यह सफाई अभियान मेरा जारी रहेगा। मैं पूरे अपने 9 नंबर वार्ड की जनता का जितना भी कूड़ा कचरा नाली वगैरह का काम है मैं करूंगा और उसको निस्तारीकरण करूंगा। जी, आपने सुना वार्ड पार्षद महोदय की 2-4 बातें। अगर सभी वार्ड पार्षद में ये बर्ताव देखने को मिलने लगे तो मजदूर को सफाई के लिए नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि मजदूर स्वयं लज्जित होंगे। लेकिन ऐसे में जिम्मेवारी बनती है मनेर नगर पंचायत की। आप देख रहे हैं कोल इंडिया न्यूज, सिर्फ